उद्धव ठाकरे गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के मेरे बहुत से दोस्त हैं, विदर्भ से हैं, मराठवाड़ा से हैं, वो सीधे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को वोट नहीं मिलने वाला अगली बार। कैसा संविधान है, एक तरफ बोलते हैं संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और शपथ लेते हैं सोनिया माती, सोनिया बड़ी हो गई, ये विदेशी मूल की महिला, ये जो भारतीय उनके लिए बड़ी हो गई, उसी शपथ ले रहे हैं, इतना महान हो गई, भारत तेरे टुकड़े हो गए वालों के साथ कन्हैया कुमार के साथ लड्डू खाते हैं उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करते हैं उड़ंगियों के साथ, और जो भारत के साथ है उसके साथ गद्दारी करते हैं उद्धव ठाकरे। ये उनकी नियत है, ये उनकी नीति है, आने वाले समय में उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, माफ करिए शिवसेना मैं नहीं कहूँगा, ये सौ सेना है, बरिसत दाह संस्कार बाकी। पुनीत सर क्या कहेंगे, जो महाराष्ट्र में जो खिचड़ी सरकार बन रही है और तमाम जो भी सिद्धांत होते थे उसको तिलांजलि दी गई, अपनी परिवारवाद के लिए, अपने बेटे के लिए, पुत्र मोह के कारण, और तमाम जो है ये सब करके ये खिचड़ी सरकार बना दी गई है। और जिन सेकुलर पार्टियों को जो है ये उनके जो शिवसेना के जो फाउंडर थे वो उनको निशाना बनाते थे हिंदुत्व के मामले में, तो आज उनके बेटे ने सारे के सारे जो है हदें पार करके और ये खिचड़ी सरकार में शामिल हो गए, तो कहाँ तक चलेगी? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा शुरू से मुद्दा, बाला साहब ने राम मंदिर के लिए पूरा जीवन दिया था। 24 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने बोला मैं जाऊँगा राम मंदिर दर्शन करने अयोध्या, सरकार इतनी प्यारी हो गई कि राम भगवान अभी याद नहीं उनको, अभी सत्ता याद है। अब मैं शुरू से मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। 2014 से आने के बाद इन्होंने बीजेपी से सारे लाभ लिए, चाहे जो भी सुविधाएं चाहिए या जो भी सपोर्ट चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर जगह उनका सम्मान किया, बाला साहब के नाम पर, उद्धव के नाम पर नहीं, माफ करिएगा। ये गद्दारी करते हैं, इन्होंने सामने में बीजेपी के खिलाफ लगातार लिखते आ रहे थे, फिर भी अमित शाह जी ने इनको सम्मान दिया। ये दलील देते हैं कि ढाई ढाई साल के लिए हमारी बात हुई थी, पहली बात अंदर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, दूसरी बात जब नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र की पूरी रैलियों में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, वहीं देवेंद्र फडणवीस बैठे थे कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, वहीं मुंह बनाए बैठा रहता तो व्यक्ति क्यों नहीं बोलता था, वहां खड़े होकर बोलना चाहिए था ना, विरोध दर्ज कराना चाहिए था, नहीं मैं बनूंगा क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर गद्दारी थी, उसके अंदर बेईमानी थी, उसने अपने सिद्धांतों को कुचल दिया, उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसने महाराष्ट्र के जनादेश का अपमान किया है। क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में 5 साल सीएम कौन था, देवेंद्र फडणवीस, शासन कौन किया, देवेंद्र फडणवीस, कोई बुरी चीज़ होती उनका नाम जाता, शिवसेना का नाम नहीं जाता, लेकिन उनके नाम पर अलायंस बन के इसने लड़ा, 56 सीटें पाया, ठीक है 56 सीटें भी इसको नसीब होने वाली नहीं थी अगर बीजेपी अपने दम पे लड़ती तो। उसके बाद विश्वासघात इसने किया मुख्यमंत्री पद को लेके, बाला साहब ने कभी तो मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं किया था, आपको मैं बता दूं इसने ढाई ढाई साल का हवाला दिया, बोल रहा बार बार हम छोटा नहीं बनेंगे, बार बार हम छोटा नहीं बनेंगे। 1994 में बीजेपी की सीटें भले ही कम थी लेकिन बराबर की सीटें, ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनवाया था, मनोहर जोशी था नाम ये था। उसके बाद अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सीटें पाई ही नहीं थी, बीजेपी की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन मेरा जो है बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को बनाया, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का सम्मान करने के लिए फडणवीस को 10 साल काम नहीं करने दे सकते थे? इनके अंदर लालच थी, इनके अंदर ईर्ष्या थी, इनके अंदर गद्दारी थी। शिवसेना अब सौ सेना बनने की ओर है, और आने वाले समय में जब देखिएगा 2020 में सरकार गिर जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि ये मुझे जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी ने बहुत बाकायदा शर्तें रखी हुई हैं, कि क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो मुद्दा था बीफ का था, बीजेपी सरकार ने बीफ बैन किया था, कुरैशी समाज बार बार सोनिया गांधी अबू आजमी अहमद पटेल से मिल रहा था, 12 सूत्री समझौते हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कोई भी कैबिनेट फैसला बिना सोनिया माता से कहे लिया नहीं जाएगा। मातोश्री से मातोश्री के पास आ गए उद्धव ठाकरे, यही अचीवमेंट है उनका, और कोई अचीवमेंट नहीं है। बाला साहब के नाम पे जितना दिन दुकान चलानी है चला लें, उनको जनता नकार चुकी है। आने वाला समय महाराष्ट्र में बीजेपी कमल खिलेगा, अटल जी कहते थे अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और पुनः कमल बीजेपी में खिलेगा, आप देखते जाइए।
बाला साहब ठाकरे ये भी कहते थे कि जो सोनिया के शरण में जाता है वो हिंजड़ी हो। बाला साहब अभी देखिए हाल ही में वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, सभी लोग देखे हैं, बाला साहब ने मराठी में बोला है कि सारे जो है जो उसके सामने झुके वो हिजड़ा है। ये शब्द नहीं कहना चाहिए लेकिन कल झुके थे शपथ लेते समय। तो मैं क्या मान लूँ कि उद्धव ठाकरे ने ट्रांसजेंडर हो गए हैं? कैसा संविधान है? एक तरफ बोलते हैं संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और शपथ लेते हैं सोनिया माती, सोनिया बड़ी हो गई, ये विदेशी मूल की महिला, ये जो भारतीय उनके लिए बड़ी हो गई, उसी शपथ ले रहे हैं, इतना महान हो गई, भारत तेरे टुकड़े हो गए वालों के साथ कन्हैया कुमार के साथ लड्डू खाते हैं उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करते हैं उरेंगियों के साथ, और जो भारत के साथ है उसके साथ गद्दारी करते हैं उद्धव ठाकरे। ये उनकी नीयत है, ये उनकी नीति है, आने वाले समय में उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, माफ करिए शिवसेना मैं नहीं कहूँगा, ये सौ सेना है, प्रतिशत दाह संस्कार बाकी। जी संजय रावत जो है हिंदुत्व की बात करते थे और जब कल को उनका स्टेटमेंट आया वो कह रहे कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, तो अब कहाँ तक चली गई? कुछ दिन पहले संजय राउत ने एक बयान और दिया था, ये हिंदुओं का राष्ट्र, आप वीडियो देखिए बहुत चल रहा है इसमें मार्केट में, और संजय राउत ने सावरकर को भारत रत्न दे रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप बयान दें महाराष्ट्र की जनता को जो चुनाव में वादा किया था कि भारत रत्न देंगे सावरकर, तो क्या अब उद्धव ठाकरे देंगे या वहाँ भी सोनिया माता से साथ दंडवत करेंगे? ये जवाब देना चाहिए ना, ये जवाब जनता मांग रही है। हमारे हीरो सावरकर को भारत रत्न कब दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, कब अपील कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो? अब ये समय आ गया है, जनता जवाब देगी। जी राम मंदिर पे विरोध करती थी कांग्रेस, उसी कांग्रेस के साथ आज जो है फिर इन्होंने जो है सरकार बना ली और आगे अब मंदिर निर्माण का मामला है, तो वो किस तरह से, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो है सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी शिवसैनिकों ने, तो वो सिद्धांत कहाँ चली गई? देखिए आप देखिए, जब से राम मंदिर पे फैसला आया है, एक भी बयान आया शिवसैनिकों का? एक भी बयान आया? नहीं आया, इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनके कभी ये मैन्युफैक्चरों में था ही नहीं। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज इसके लिए लड़ा है और सच्चाई की जीत हुई है। उद्धव ठाकरे इसमें कोई रोल नहीं है, रोटियाँ सेकनी है तो आगे सेक लें भरे, और ये कुछ नहीं करने वाले, हिंदू धर्म के लिए चोला इनका उतर गया है, इन्होंने जो है एक खाल ओढ़ी हुई थी वो खाल अब उतर गई है, अब सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे गद्दार हैं और गद्दार रहेंगे, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के मेरे बहुत से दोस्त हैं, विदर्भ से हैं, मराठवाड़ा से हैं, वो सीधे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को वोट नहीं मिलने वाला अगली बार। आप बताइए पिछले 20 दिनों के ये होटलों में विधायक को ठहराए हुए हैं, किसके पैसे को ठहराए हुए हैं? जनता के बारे में एक शब्द बात हुई? कैसे बनाए पार्टी, कैसे सत्ता में आए, ये बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी अभिषेक मनु सिंह भी बोलते हैं कि विधायक बिक जाएंगे, बीजेपी के विधायक तो घूम रहे हैं, इनके विधायक होटलों में बंद हैं, ऐसा क्या डर है भाई, बिकने वाले हैं तभी तो बिक जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये जो बोल रहे हैं कि खरीद फरोख्त होगा, जो ये तीनों मिलकर सरकार बनाए, सौदेबाजी नहीं है क्या? वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास होगा, गृह मंत्रालय कांग्रेस के पास होगा, उद्धव ठाकरे तो कठपुतली रहेंगे, सोनिया माता सरकार चलाएंगी, ठीक है, कोई मंत्रालय नहीं, ये हुआ है, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं मिल के खाओ, यही होगा। जी अमित शाह जी जैसे कह रहे थे कि क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का जो है बहुमत होता है और जो मुख्यमंत्री है इनका बनना चाहिए था, इन्होंने जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया था, इसमें बहुत बड़ा जो है ना सौदेबाजी हुई है, तो आपको क्या लगता है? अमित शाह जी सारी चीज़ें उनको पता है, उद्धव ठाकरे ने बहुत सहमति की है, बहुत मीटिंगें की हैं, बहुत समझौते किए हैं। ये अजीत पवार जो अभी आए थे बीजेपी के पाले में, ऐसा कहा गया कि अजीत पवार समर्थन दे रहे हैं, मैं फडणवीस हूँ, 5 साल मैंने महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सरकार चाहिए जो अस्थाई सरकार हो, अगर मेरे पास कोई 54 विधायकों का समर्थन लेके आएगा, सिग्नेचर लेके कि मैं विधायक दल का नेता हूँ, तो मैं मना क्यों करूँगा? लोग दलील देने सुबह करने की क्या ज़रूरत थी भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट 2 बजे रात में खुलवा सकते हो आप, और देश की जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या सुबह शपथ नहीं ले सकते? 8 बजे कौन नहीं उठ जाता है? अजीत पवार का मोहरा बनाया शरद पवार ने,
और जो सहानुभूति उसको लेनी चाहिए थी वो ले लिया। शरद पवार ने अपने आप को जीवंत कर लिया एक प्रकार से बचने के लिए। जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि जो जो सिद्धांत हैं, कोई भी पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलती है, और आज शिवसेना ने जो अपने सारे सिद्धांत त्याग दिए हैं, तो कब इसका भविष्य क्या होगा? शिवसेना आने वाले समय में अंत की ओर है। सिद्धांतों से जो समझौता किया है, जो विचारधारा से समझौता किया है, उसका खात्मा निश्चित है और आने वाले समय गवाह बनेगा। आप भी देखिएगा 2020 तक ये सरकार चल के दिखा दे, नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पे लूट खोरी है। जी सर, मतलब बीजेपी के ये मतलब ठीक नहीं है, जो एक तरह संविधान के खिलाफ ही है। जब बीजेपी दिखाती है कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं, और आज वो कॉन्स्टिट्यूशन के हावी हो रही है, आज वो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे हावी। ये बताइए, ये कौन सा महाराष्ट्र में जो किया है उन्होंने? राज्यपाल से बड़े हो आप? नहीं, राज्यपाल से राज्यपाल से बड़े हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है क्या? मतलब अभी ये दलील आप दे रहे हो संवैधानिक संताप, आप टिप्पणी करना पहली बात तो बंद करिए। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, संवैधानिक संताप टिप्पणी तीन दिन के अंदर आप बताइए। नहीं नहीं, तीन दिन के अंदर आप बताइए, पिछले लेता है 10 साल मनमोहन सरकार की। एक भी राज्यपाल के ऊपर किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया क्या? नहीं, कांग्रेस सरकार पे नहीं, कांग्रेस बात कर रहा हूँ। कांग्रेस आप दो मुहे बात मत करो, दोगली राजनीति करने वाले व्यक्ति तो आप का लालच नहीं होता। आप अगर